भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष रणिंदर सिंह ने कहा कि अगर बर्मिंघम में 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों में निशानेबाजी को शामिल नहीं किया जाता तो देश को इन खेलों का बहिष्कार करना चाहिए। रणिंदर ने कहा कि इस संबंध में वो जल्द ही खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ को पत्र लिखेंगे। भारतीय निशानेबाजों के लिए समान समारोह में प्रमुख ने कहा, मैं एक दो दिन में केंद्रीय खेल मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर और भारतीय ओलंपिक संघ को पत्र लिखूंगा, उनसे 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी शामिल नहीं किए जाने की स्थिति में इन खेलों का बहिष्कार करने का आग्रह करूंगा। भारतीय निशानेबाजी दल ने गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ खेलों में 7 स्वर्ण पदक सहित कुल 16 पदक जीते। उन्होंने आगे कहा, हम खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ से 2022 राष्ट्रमंडल खेलों से हटने की दमदार अपील करेंगे। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF ने 2022 खेलों में निशानेबाजी को हटाने का फैसला किया है। उसने कहा था कि लॉजिस्टिक संबंधी मामलों के कारण ये फैसला किया गया। CGF CEO डेविड ग्रिमवर्ग ने इस साल के शुरू में 2022 खेलों के आयोजन को लिखे पत्र में कहा था, निशानेबाजी 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल नहीं होगा। उन्होंने हालांकि स्पष्ट किया था कि इस खेल को खेलों से हमेशा के लिए नहीं हटाया गया है तथा यह वैकल्पिक खेल बना रहेगा तथा इस किसी खास राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबान शहर इसके मुख्य खेलों में शामिल कर सकता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स टेक से अंकुर अस्थाना की रिपोर्ट।